Hi everyone, welcome to my channel FISC, Financial Studies Classes. This is the first session of my series on Stock Market Investing for Beginners. So, आज हम discuss करने वाले हैं how to do primary analysis on money control before investing in a stock. देखिए ये वाला जो session है ये पूरा basic analysis के ऊपर based है. हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा deep dive नहीं करने जा रहे हैं. जो बेसिक इनिशियल इन्फॉर्मेशन हमें मनी कंट्रोल पे मिलती है हम उससे एनालिसिस करेंगे. सबसे पहले मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ व्हाट इज़ मनी कंट्रोल. तो मनी कंट्रोल एक वेबसाइट है, इसका एक एप्लीकेशन भी है जो आपको प्ले स्टोर या iOS पे मिल जाएगा. जो एडवांटेज है हमारे पास मनी कंट्रोल का वो ये है कि मनी कंट्रोल ऐसा वेबसाइट है जो ज़्यादातर सर्विसेज हमें फ्री में देता है. इसके अंदर एक प्राइम मेंबरशिप भी होती है मनी कंट्रोल प्रो नाम से, जिसके अंदर आपको थोड़े और बेटर सर्विसेज मिल जाती है. पर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरा अभी तक का जितना इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस है उसके अंदर मुझे कभी प्रो सर्विसेज की ज़रूरत नहीं पड़ी, एटलीस्ट फॉर बेसिक इन्वेस्टिंग. तो हम आज उसी के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं. जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे इसमें मनी कंट्रोल की वेबसाइट ऑलरेडी ओपन है और यहाँ मैं लॉगिन कर चुका हूँ. तो इसके अंदर मेरा पोर्टफोलियो वगैरह का डेटा जो मैंने इसमें ऐड कर रखा है वो भी मुझे दिख सकता है, और मैं आपको भी बताऊंगा कि किस तरह आप इसके अंदर अपना पोर्टफोलियो ऐड कर सकते हैं. पर अभी हम सबसे पहले बेसिक इन्वेस्टिंग करने से पहले किस तरह से एनालिसिस करना है उसके बारे में जानेंगे. देखिए, जब भी आप इन्वेस्ट करें तो कुछ कंपनीज होती है जो काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस में होती है, जैसे कि रिलायंस, उसके पेट्रोकेमिकल के बिजनेस है, उसका टेलीकॉम का बिजनेस है, रिटेल में है, और भी कई कंपनीज़ में है. तो इस तरह के बिजनेसेस उसके काफ़ी सारे होते हैं, इसलिए हम उस तरह की कंपनीज़ के बारे में एनालिसिस अभी नहीं करने वाले. अभी हम करेंगे ऐसी कंपनीज जो ज़्यादातर मोस्टली सिंगल लाइन ऑफ बिजनेसेस में है. तो उसका एक एग्जांपल है इन्फोसिस. तो हम आज इन्फोसिस के बारे में सर्च करेंगे. तो आप जैसे नाम यहाँ पे सर्च करेंगे इन्फोसिस, तो आपको इन्फोसिस स्टॉक के बारे में नाम आ जाएगा और आप उसको क्लिक करके सर्च कर सकते हो. तो देखिए, हम बस इस यहाँ जो एक इन्फॉर्मेशन है आप देख लीजिए, ये जो इन्फॉर्मेशन है हम मोस्टली इसी का यूज़ करने वाले हैं. हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे आज के सेशन में. तो जैसा कि आप देख रहे हैं इन्फोसिस के अंदर यहाँ पर कोट चार्ट टेक्निकल्स वैल्यूएशन ये सब दिया गया है. हम अभी यही चीज़ें नीचे धीरे धीरे हमें दिखाई देगी. तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो लास्ट फ्राइडे का 23 अक्टूबर का प्राइस है, जिसमें 1122 प्राइस था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे इन्फोसिस का, और सेम प्राइस था 50 पैसेज मोर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में. और आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे रेड सिग्नल है, रेड कलर है, इसका मतलब कि फ्राइडे को मार्केट जितना थर्सडे को था उससे कम पर बंद हुआ है. यहाँ पे 8 रुपीज़ और यहाँ पे 6 रुपीज़ NSE में और BSE में. अब आप यह देखिए प्रीवियस क्लोज के बारे में. तो प्रीवियस क्लोज यानी उससे एक दिन पहले 11:30 था. हम एक ही चीज़ को लेके चलते हैं BSE को, तो 11:30 था, ओपन हुआ था 11:34 पे, तो तब भी गिरा था 4 रुपये और आज भी गिरा है 8 रुपये. तो इसका मतलब है ये है कि ये 2 दिन से तो गिर रहा है. बट ये जो चीज़ें होती है 2-3 दिन का प्राइस डेटा, ये बेसिकली मैटर करता है अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हो इंट्राडे वगैरह में, जहाँ पे आप टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करते हैं. हमें इनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इन चीज़ों को नहीं देनी है. तो यहाँ पे आप देखिए कि जो फ्राइडे था, टुडेज हाई लो, मतलब लास्ट डे ऑफ ट्रेडिंग जो था, उसके अंदर ये 11:20 और 11:34 के बीच में घूमता रहा. पूरे 52 वीक यानी लास्ट ईयर का अगर हम देखें तो इसके अंदर 511 से 1185 तक गया था. अब ये नंबर काफ़ी बड़ा है, बट आपको ध्यान रखना होगा कि ये नंबर इतना ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग इसलिए है क्योंकि बीच में मार्च में कोरोना वायरस आ गया था, और उसकी वजह से पूरे मार्केट के अंदर अप्रोक्स हर स्टॉक काफ़ी लो प्राइस पे बिका था. रिलायंस 1600 का स्टॉक 700 तक गया था, उसी तरह इन्फोसिस जो कि 800 तक का स्टॉक था वो 500 तक चला गया था. अब आप देखेंगे कि ये लोएस्ट और हाईएस्ट की बात है. तो हाईएस्ट प्राइस इसकी थी 1243, जो अभी कुछ दिन पहले ही अटेंड इसने अचीव की है,
और लोवेस्ट प्राइस जो है इस प्राइस बैंड में। देखिए ये टेक्निकल एनालिसिस की प्राइस बैंड है, एक्चुअल में मार्केट में हिस्टोरिकल डेटा नहीं है ये कि इन्फोसिस की लाइफ टाइम कितनी लोवेस्ट रही है, वो काफ़ी कम भी थी। तो ये चीज़ है। अब आप यहाँ देखिए, ये इसके अंदर 4,957 लोग बोल रहे हैं बाय का और 30,000 प्लस लोग कह रहे हैं सेल का। ये जो नंबर है ये मार्केट के अंदर जो मनी कंट्रोल लोग यूज़ कर रहे हैं और जो इस पे सजेशन दे रहे हैं उनका परसेप्शन है। तो आप इससे एक मोटा मोटा सर्वे ले सकते हैं कि सर्वे में ज़्यादातर लोग इसको कह रहे हैं सेल का। पर जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चीज़ को आपको ज़्यादा फोकस में नहीं लाना है, ये बस एक अंडरस्टैंडिंग है जिससे आप, जैसे कि क्या होता है कि मैं अगर ये देखूँ आज कि यहाँ पे 511 लिखा है और यहाँ पे हाईएस्ट है 1185, अगर यहाँ पे 700 हो या 600 हो या इवन 800 हो, तो मैं सोचूंगा कि यार ये इसका जो 52 वीक का प्राइस है हाईएस्ट उससे काफ़ी नीचे है, तो फिर मैं एक इंटरेस्ट बनेगा। जैसे अभी 1185 पे, तो ऑनेस्टली कहूँ तो मेरा अभी इंटरेस्ट नहीं है कि मैं इन्फोसिस आज की तारीख में खरीदूँ, फिर भी मैं देखूँगा कि क्या चांसेस है इसके फ्यूचर में बढ़ने के। तो मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है जो कोरोना के समय में या पिछले 2-3 मंथ में काफ़ी बढ़ा है, तो अगर हम तब इसे खरीदते तो काफ़ी अच्छा होता। तो यहाँ पे एक और चीज़ होती है शॉर्ट एनालिसिस, तो आप इसमें किसी को भी क्लिक करेंगे तो आपको एक नया टैब खुला हुआ मिलेगा, तो हम उस टैब के बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं कि हमारा इसमें इंटरेस्ट और आगे बनता है या नहीं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा अभी सिर्फ प्राइस को देख के मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे इसमें एक्चुअली इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाइप है। अब इसमें जैसे आप देख रहे हैं 1 ईयर का डेटा है, आप इसको 5 ईयर या ऑल टाइम या कितने भी दिन का कर सकते हैं, 1 डे का, 1 वीक का, 1 मंथ का। तो अगर हम इसको 6 मंथ करें तो आप देखेंगे कि ये 6 मंथ में 664 था 24 अप्रैल को, जो कि कोरोना वायरस से एक दिन 1 मंथ बाद का है। और आप इसको 1 ईयर करेंगे तो ये देखिए 18 मार्च 23 मार्च को ये 526 गया था, जो कि लोवेस्ट था, और फिर ये अभी कुछ दिनों में वो काफ़ी बढ़ा है। यह देखिए आप, इसका ओवरऑल लेवल जो था वो 800 समथिंग होता था, आप अगर ऑल टाइम देखेंगे ये देखिए 120 160 जो था वो 2000 में था, वहाँ से आप देखिए 2010 तक 380 था, ये हाईएस्ट इसका एक टाइम पे 2016 में 600 आया, फिर उसके बाद 18 तक ये 670 680 750 समथिंग तक चलता रहा लास्ट ईयर। तो आप देख सकते हैं कि इसका प्राइस जनरली कभी भी इतना ज़्यादा नहीं रहा है, 800 से ज़्यादा, और अभी ये चल रहा है 1100 समथिंग। मतलब ऑब्वियसली इसके अंदर पिछले कुछ मंथ में जून जुलाई के बाद से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। हम इसका 3 मंथ डेटा देखेंगे तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा कि ये देखिए ये 1000 से 1000 तक भी गया है, 900 तक, 24 जुलाई को ये 900 था। और ये जून में 700 था, जुलाई में बढ़ते बढ़ते ये जुलाई आप देखिए जुलाई 14 को 783 था और जुलाई 16 को 911, तो ये 15-16 जुलाई को बहुत बड़ा। तो यहाँ पे देखिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप अगर इसको इस प्राइस मूवमेंट के हिसाब से नहीं देखेंगे, आप ये देखेंगे कि ये 700-800 का स्टॉक आपको लग रहा है या उससे ज़्यादा जा सकता है। तो देखिए 730 में यही था कि तब की तारीख में इसका हाईएस्ट प्राइस था 800, तो शायद हम इसे नहीं खरीदते अगर हमें पता नहीं होता कि इतना ज़्यादा ग्रो करेगा। तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि ग्रो करने वाला है या नहीं, बट अभी हम ये देख रहे हैं कि हमें आज की तारीख में बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे, तो हम सिर्फ प्राइस बेसिस पे ये नहीं देख सकते कि इसने एक्चुअल मार्केट वैल्यू से कितना नीचे है तो हम इसे अट्रैक्टिव माने। ये एक बस एग्जांपल दिया है मैंने इसको, और ये जो टेक्निकल एनालिसिस है इसके बारे में हम अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग का होता है और हम उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, हमारा प्राइमरी मोटिव है वैल्यू इन्वेस्टिंग करना। यहाँ पे ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्शन है, देखिए इसके अंदर आपको दिख रही है मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये जो नंबर है ये मैटर नहीं करता है हमारे लिए, नंबर जो मैटर करता है वो है ये प्राइस अर्निंग।
इसका है 28 और इंडस्ट्री का है 27। यानी ये मार्केट से इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, पर आप खुद देखिए कि ये अभी 1100 है और इंडस्ट्री खुद भी पिक पे जा रही है। नहीं तो हम पूरा इंडस्ट्री का भी हिस्ट्री देखेंगे, अगर इंडस्ट्री इतना नहीं बढ़ी और अकेला इन्फोसिस बढ़ा तो हमें उसके अंदर थोड़ा देखना पड़ेगा कि इन्फोसिस ज़्यादा बेटर क्यों कर रहा है। और अगर पूरी आईटी इंडस्ट्री बेटर कर रही है, जैसे कि आप अभी खुद जान रहे कि कोरोना वायरस का इम्पैक्ट आईटी इंडस्ट्री पे काफ़ी कम पड़ा था, तो आईटी इंडस्ट्री ऑब्वियसली काफ़ी ऊपर गई है, तो उस वजह से इसके सारे आईटी के स्टॉक्स बढ़े हैं। और मैं आपको और भी आगे डिटेल्स दूंगा स्टॉक्स के बारे में, दूसरे स्टॉक्स हम सर्च करेंगे, बट अभी हमारा बेसिक आइडिया है कि हम एक अंडरस्टैंडिंग ले कि कैसे हमें इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे आज की तारीख में आप देखें कि प्राइस अर्निंग भी इसकी अट्रैक्टिव नहीं है। अगर यहाँ पे ये नंबर 20 होता या 18 होता तो हम देखते कि ये इंडस्ट्री से काफ़ी कम है, और फिर हम थोड़ा सा और रिसर्च करते आगे जाके कि क्या ये किस वजह से इंडस्ट्री से कम है, क्या ये एक्चुअली में बेकार परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे आप बैंकिंग स्टॉक में देखेंगे और आप देखेंगे कि यस बैंक काफ़ी कम नंबर है, यस बैंक का प्राइस टू बुक जो कि ये नंबर है बाकियों से, तो आपको उसके अंदर ये देखना है कि यस बैंक अपने आप में भी काफ़ी ख़राब कर रही है, तो आप उसको बाकी प्राइवेट बैंक से कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन इन्फोसिस के साथ वो चीज़ नहीं है, आप TCS विप्रो से उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर इंडस्ट्री 27 जा रही है और इन्फोसिस का इसमें काफ़ी कम है, तो हम ये समझ सकते हैं कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। नाउ बुक वैल्यू, तो ये चीज़ क्या होती है, मार्केट कैप और बुक वैल्यू है। यहाँ पे हमें प्राइस टू बुक दे रखा, अगर नहीं दिया होता तो हम इस मार्केट कैप को बुक वैल्यू से डिवाइड करके ये रेशो हम निकाल पाते, तो ये एक चीज़ होती है। दूसरा है डिविडेंड परसेंटेज, जो ये 350% है फेस वैल्यू का, ये बात आप समझ लीजिए। आप ये मत समझिए कि ये जो इसकी प्राइस है 1122 उसका 350%, इतना डिविडेंड कोई नहीं देता है, ये फेस वैल्यू पे यानी 5 रुपीज का 350% विच इज 17.5 रुपीज, तो इतना पर शेयर आपको डिविडेंड मिला है। तो देखिए बेसिकली इसका मतलब यही है कि डिविडेंड का कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर आपने एक शेयर 1100 में ख़रीदा और आपको मिल रहे 17 रुपीज, तो वो कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं मारता है। तो हम इसे ये नहीं मान सकते कि ये डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, प्राइस अर्निंग के हिसाब से अंडर वैल्यूड नहीं है, प्राइस टू बुक वैल्यू के लिए हमें और प्राइस टू कैश फ्लो इनके लिए हमें एक पॉइंट तो ये है कि हमें इंडस्ट्री से इसको कंपेयर करना पड़ता है, पर दूसरी चीज़ ये भी आप देखिए कि इसकी बुक वैल्यू से ये 7 times है, तो हम क्या कर सकते हैं, कई बार इसका एक कॉम्पिटिटर देख सकते हैं। यहाँ पर आप कॉम्पिटिटर देखेंगे तो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 13.55 है, तो उस हिसाब से इन्फोसिस का प्राइस टू बुक काफ़ी कम है। और यहाँ पे हम एक और कॉम्पिटिटर देख लेते हैं, इसका प्राइस टू बुक वैल्यू और कम है, तो इन्फोसिस बेसिकली हम ये जज नहीं कर पाएंगे बाकी दो कॉम्पिटिटर को देख के कि इन्फोसिस एक्चुअली अंडर वैल्यूड है। तो यहाँ से आज की तारीख में इन्फोसिस में इन्वेस्ट करने का हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। और एक चीज़ और है कि अगर प्राइस टू अर्निंग इसकी ज़्यादा है तो हम एक पेग रेशियो होता है, मतलब प्राइस टू अर्निंग को ग्रोथ से डिवाइड करते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि ये एक्चुअली में एक ग्रोथ स्टॉक है क्या, क्योंकि ग्रोथ स्टॉक की प्राइस अर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। तो हम ग्रोथ स्टॉक के बारे में भी देखेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ ग्रोथ स्टॉक का, वो है अदानी ग्रीन एनर्जी। तो आप अदानी ग्रीन एनर्जी का स्टॉक में अगर जाएंगे और यहाँ देखेंगे कि इसका प्राइस टू अर्निंग है 4.23 times ऑफ अर्निंग, क्योंकि एक्चुअली में इनकी अर्निंग आज की तारीख में काफ़ी कम है। लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि सोलर पैनल के इनको काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मिले इंडिया में, और उसकी वजह से, और एक तो गवर्नमेंट बैकिंग भी आप समझते हैं, तो इन चीज़ों की वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लगता है कि अदानी ग्रीन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इनको फ्यूचर में रिटर्न देगा, इसकी वजह से वो 4.23 times ऑफ अर्निंग अभी पे कर रहे हैं। आप बुक वैल्यू भी देख लीजिए तो ये 78 times है, तो इसके अंदर हमें इसकी ग्रोथ रेट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, पेग रेशियो, जो कि हमें यहाँ नहीं मिलेगा, इसलिए हम अभी उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, हम आगे के सेशंस में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप
पी बाई ई से समझ सकते कि ये नंबर्स मुझे इन्फोसिस को आज की तारीख में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं दे रहे हैं। फिर आता है इसके अंदर एफ एंड ओ क्वॉट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का डेरिवेटिव्स के बारे में, तो ये भी टेक्निकल एनालिसिस के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, तो हम उस पर भी डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे थोड़ा आपको कभी कभी देख लेना चाहिए कि कम्युनिटी क्या कह रही है। तो देखिए कम्युनिटी में 73% बाय कह रहे हैं, 27% सेल कह रही है। सब लोग कोई, हम ये नहीं कह सकते रैशनल इन्वेस्टर या एक्सपर्ट्स है, ये सिर्फ हमारे जैसे नॉर्मल लोग हैं। तो ये कह रहे हैं इन्फोसिस सिप्ला आफ्टर गुड रैली लुक ओवरबॉट, तो ये तो कह रहे हैं कि इसको सेल कर देना चाहिए। इस तरह यहाँ पे इन्फोसिस के बारे में मार्केट सेंटिमेंट है वो लिखा है, तो सेंटिमेंट के हिसाब से बाय करना चाहिए। पर मैं ये कह रहा हूँ कि अभी बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा अंडर वैल्यूड स्टॉक है नहीं हमारी इनिशियल इन्वेस्टिंग। हाँ, अगर हम सोच रहे हैं कि हमें 15 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आप इन्फोसिस रिलायंस जैसे शेयर में कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, TCS वगैरह में, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में बढ़ते ही है। ये स्टॉक्स काफ़ी अच्छी कंपनीज है, हम वो भी देखेंगे कि किस तरह कंपनीज़ के बारे में आगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह लॉन्ग टर्म के लिए हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना हो तो हम उसको करेंगे। यहाँ पे हमारा बेसिक आइडिया है कि हम एक प्राइमरी एनालिसिस किसी भी इन्वेस्टमेंट को, अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट को आगे जाके रिसर्च करने के लिए कैसे बनाए हमारा एक परसेप्शन। यहाँ पे डिविडेंड एक्शन, इसकी एक्शन जो है इन्फोसिस के डिविडेंड वगैरह, ब्लॉक डील्स वगैरह, इन सब के बारे में हमें मिलती रहती है। ब्लॉक डील्स मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में किसी ने शेयर्स खरीदे या बेचे तो बल्क और ब्लॉक डील्स को बताया जाता है। फिर आता है न्यूज़, तो न्यूज़ में कई बार आपको इन्फोसिस से रिलेटेड न्यूज़ मिलेगी या फिर ऐसी न्यूज़ जिसमें जो कि इन्फोसिस से रिलेवेंट हो। हर बार ऐसा नहीं होता, जैसे H1B वीज़ा की न्यूज़ है तो ये इन्फोसिस से काफ़ी रिलेवेंट है, वहाँ पे अमेरिका में काफ़ी इन्फोसिस के एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो उनसे रिलेटेड है, इसके लिए हमें ये देखनी होती है। तो अब जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मुझे अट्रैक्टिव ही नहीं लग रहा है तो मैं स्वॉट पे जाने का मेरा मन नहीं है, बट जनरली अगर मैं कोई और स्टॉक देखूँ जिसमें मुझे अट्रैक्टिवनेस दिख रही है तो मैं इसके अंदर स्वॉट पे जाता हूँ। तो देखिए 12 तो इसके अंदर स्ट्रेंथ ही है, 3 वीकनेसेस है, 3 अपॉर्चुनिटीज़ है, 2 थ्रेड्स है, तो बेसिकली ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है, तो लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा ख़रीदना चाहिए। अभी के हिसाब से मैं यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा पैसा आप इसमें इन्वेस्ट ना करें, इसको वेट करें, थोड़ा देखें और फिर आपके हिसाब से जजमेंट कर लें। थोड़ा थोड़ा अगर डीप होता है तो उन टाइम में अच्छा अच्छा खरीद के रख लीजिए इसको। तो देखिए MACD जो होता है ये एक टेक्निकल टर्म है, इसमें हमें ज़्यादा नहीं देखना है। नेट प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ हो रही है, तो यह हम देख सकते हैं कि ग्रोथ बढ़ रही है, तो हो सकता है ग्रोथ बढ़ रही है, इस क्वार्टर में बढ़ी है तो ये आगे भी बढ़े, और वहाँ हम ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू जो पेग रेशियो में कह रहा था उसका फोकस हमें देखना पड़ेगा। फिर कंपनी विथ नो डेट, ये एक काफ़ी अच्छा एडवांटेज है, पर IT कंपनी में सारी नो डेट होती है या वेरी लिमिटेड डेट होती है, तो हमें देखना होगा कि डेट का एक्चुअली में कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिट है या नहीं है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग एबिलिटी फॉर कोर बिजनेस इम्प्रूविंग कैश फ्लो, तो IT एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, आज या कल ख़त्म नहीं होने वाला, आउटडेटेड नहीं होने वाला, तो ये एक पॉइंट है ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें ग्रोथ को काफ़ी कंसिडर करना पड़ेगा इन्फोसिस को इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ हमें समझना है कि हम अभी के फंडामेंटल्स के साथ साथ हमें ग्रोथ भी कंसिडर करना पड़ेगी, और फिर हमें थोड़ा, अगर हमें लग रहा है कि हमें इन्वेस्टिंग आज की तारीख में थोड़ा ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो हम आगे जाएंगे। अगर हमें वैल्यू स्टॉक्स के अंदर करना है तो अभी वैल्यू में इन्फोसिस अट्रैक्टिव नहीं है तो हम यही रुक जाएंगे। ये देखिए ये नियर 52 वीक हाई है, ये भी एक ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ये भी एक टेक्निकल एनालिसिस मोमेंटम इंडिकेटर्स कहते हैं उनके अंदर है, आता है। तो मैं आपको बेसिकली एक बिगिनर के लिए यही कहूँगा कि आप टेक्निकल्स पे ना जाए, फंडामेंटल्स ही देखें, जैसे नेट प्रॉफिट है, प्राइस टू अर्निंग है, प्राइस टू बुक वैल्यू, इन तरह की चीज़ों में। तो नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ रहा है, ग्रोस मार्जिन बढ़ रही है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, फिर जीरो प्रोमोटर प्लेज की बात है, तो मतलब जो प्रोमोटर्स हैं उन्होंने ये शेयर के नाम पर कहीं उधार नहीं ले रखा इन शेयर्स के नाम पर, वो भी एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। ये सारी जो चीज़ें ये स्ट्रेंथ्स में आती है, रिसेंट रिजल्ट्स, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, अगेन टेक्निकल है। वीकनेसेस देख लेते हैं, तो वीकनेसेस के अंदर एक तो इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ एसेट्स है,
तो बेसिकली क्या होता है कि ये कहा जाता है कि जैसे आपका एसेट है इन्फोसिस के लिए, इसका मेन एसेट है इसके एम्प्लॉयज़, तो इनके एम्प्लॉयज़ काफ़ी ज़्यादा हो गए एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज, और रिटर्न ऑन एसेट उसके हिसाब से कम मिल रहा होगा। बट आपको ये समझना होगा कि इन्फोसिस, TCS ये ऐसी कंपनीज है जो काफ़ी अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखती है, उस कल्चर में यकीन करती है कि ये एकदम लोगों को नौकरी से नहीं निकालते हैं। तो उन चीज़ों के हिसाब से इनका ROI थोड़ा कम ही रहता है, उतना नहीं होता है जितना आप फॉरेन IT कंपनीज से कंपेयर करेंगे, क्योंकि वो लोग हायर और फायर बहुत इजीली कर लेते हैं। तो वो एक चीज़ है। फिर हमें ये देखना है कि प्रोमोटर शेयर्स डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो प्रोमोटर जो है वो खुद क्या यकीन नहीं कर पा रहे अपने कंपनी में, इसलिए इसको डिक्रीज़ कर रहे हैं। ये एक पॉइंट हो सकता है पर हमेशा नहीं होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है प्रोमोटर खुद जब एक्टिव मैनेजमेंट से दूर जाते हैं, जैसे कि आप देखें नारायण मूर्ति अभी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है इन्फोसिस की डे टू डे मैनेजमेंट में, या इवन बोर्ड पे भी नहीं है, तो हो सकता है वो चाहेंगे कि अपना इसमें से थोड़ा पैसा निकाल के अपने स्टॉक्स को डाइवर्सिफाई कर दे अपने पोर्टफोलियो को। तो वो चीज़ हमें देखना होती है कि क्या एक्चुअल रीज़न है और कितनी ज़्यादा डिक्रीज़ हो रही है। और यहाँ पे एक और पॉइंट है कि कैश फ्लो डिक्लाइन हो रहा है, तो वो चीज़ हमें फंडामेंटल्स में कंसिडर करनी पड़ेंगी, पर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि ये वीकनेसेस काफ़ी ज़्यादा मायने नहीं रखती है। फिर ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है ये सारी आप देखेंगे कि दो तो इनमें टेक्निकल एनालिसिस वाली, और ये जो है ब्रोकर्स अपग्रेडेड रिकमेंडेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट वन है कि वैल्यूएशन एक्सपर्ट्स है उन्होंने इसकी टारगेट प्राइस बढ़ा दी है। जिन फिर इसके अंदर कुछ थ्रेट्स है, वो टारगेट प्राइस देखिए यहाँ पे कह रहा है टारगेट प्राइस बढ़ाई है, यहाँ पे कह रहा है टारगेट प्राइस घटाई है, तो ये हमें देखना होगा कि ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है। हो सकता है वो इन दोनों में से एक चीज़ पहले लिख दी गई हो और फिर उसको अपडेट नहीं किया गया हो बाद में। और ये एक थ्रेट है कि नॉन कोर इनकम बढ़ रही, नॉन कोर इनकम मतलब आप बिजनेस के अलावा कुछ चीज़ खरीद बेच के अपनी इनकम बढ़ा रहे, तो वो चीज़ एक अच्छा नहीं माना जाता अनलेस कि आप नई बिजनेस लाइन में जा रहे हैं, जैसे कि अब रिलायंस है, रिलायंस की मान ली और इनकम थी केमिकल्स और पेट्रोलियम, अब वो उसकी जगह अगर जियो की इनकम बढ़ रही है तो वो कोई गलत ट्रेंड नहीं है। तो हमें काफ़ी चीज़ अंडरस्टैंड करनी होती है एक शेयर के बारे में, पर इससे हम एक समझ सकते हैं कि नॉन कोर इनकम बढ़ रही है तो ये थ्रेट कह रहा है, मैं जाके देखूंगा कि रिलायंस में क्या हो रहा है या इन्फोसिस में क्या हो रहा है, क्यों बढ़ रही है, तो हमें शायद अलग न्यूज़ मिले। अब यहाँ पे आप देखिए एडवाइस और रिसर्च रिपोर्ट, यहाँ पे ये रिसर्च रिपोर्ट में हम गए तो देखिए 1319 का जियोजीट करके कोई कंपनी उसने टारगेट दिया है, होल्ड इन्फोसिस कहा है अरियंट कैपिटल ने 1247 पे, ICICI डायरेक्ट ने 1350 कहा है। तो अब हमें देखना है कि ये सब कब की न्यूज़ है, तो हम इसके अंदर न्यू टैब में देखेंगे क्योंकि हमें ये टैब तो खुला रखना है। तो आप यहाँ देखिए जियोजीत ने कहा था 21 अक्टूबर 2020 को, तो ये एक बड़ी रिकमेंडेशन है। ये अरिहंत कैपिटल ने कहा है 15 अक्टूबर को, मतलब आप ना परचेस कीजिए ना सेल कीजिए, इन्होंने कहा है 15 अक्टूबर को RCICI डायरेक्ट, और MK ग्लोबल फाइनेंशियल ने भी कहा है 15 अक्टूबर। तो 15 अक्टूबर को काफ़ी सारी कंपनियों ने, हो सकता है इसके रिटर्न के बाद जो इसका क्वार्टरली रिपोर्ट है उसके बाद इसकी रिकमेंडेशन चेंज की हो। तो वो एक पॉइंट है कि बाय रेटिंग 3 ने दी है, होल्ड रेटिंग 1 ने दी है, तो आप ये मान लीजिए कि इनका कहना है कि 1300 प्राइस है। अभी आपके ऊपर है कि आप इतनी ग्रोथ मान रहे हैं कि इसकी प्राइस, तो देखिए उसके लिए हमें DCF वैल्यूएशन करना पड़ता है बेसिकली प्राइस पे आने के लिए, तो हम उसके अंदर कई किसी और दिन समझेंगे कि DCF से कैसे वैल्यू निकाली जाती है। और रिलेटिव वैल्यूएशन एक और अप्रोच है, तो रिलेटिव वैल्यूएशन के जो कुछ हमने इसमें ट्रेंड्स देखे उनसे तो हमें ऐसा नहीं लगा कि इन्फोसिस अंडर वैल्यूड है, तो इन्फोसिस बेसिकली अपने पीयर्स को बीट कर रही है, तो रिलेटिव वैल्यूएशन वहाँ पे काम करेगा भी नहीं क्योंकि वहाँ पीयर्स को बीट कर रही है, तो हम पीयर्स से कंपेयर नहीं कर सकते इसके फंडामेंटल्स को। तो हमें ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू लेना है, पेग रेशियो एक चीज़ है जो शॉर्ट टर्म हमें, हमारे पास टाइम नहीं है तो हम उससे उसको कैलकुलेट कर सकते, अगर पेग रेशियो से ज़्यादा डीप जाना है तो हमें DCF वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें थी। फिर हम फाइनेंशियल्स पे अगर जाएंगे तो ये आप देखिए नेट प्रॉफिट इनका
December 19 के बाद March 2020 में कम हुआ, June 2020 कोरोना था उसके बाद भी अच्छा गया, और September 2020 में काफ़ी बेटर रिजल्ट्स है। तो आप समझ सकते हैं कि डिस्पाइट कोरोना इनका कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉफिट पे असर नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये एक ऐसी इंडस्ट्री रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री जिन्हें हम कहते हैं कि कोरोना जैसे रिसेशन में भी अच्छा कर रही है। तो ये फंडामेंटल्स हमें थोड़े और देखना होते हैं, जैसे सेल्स भी बढ़ी है। सेल्स क्यों बढ़ी है आप समझ ही सकते हैं कि लोगों का आईटी सॉफ्टवेयर और डिजिटल कॉस्ट लोग बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि उनको वर्क फ्रॉम होम जैसी चीज़ों में फ़ायदा हो, उनके लिए वो चीज़ ईजी हो जाए। तो उसके लिए इन्फोसिस TCS जैसी कंपनीज का बिजनेस बढ़ना ही है। तो अगर हम ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो अब हमारा बेसिकली इस सब चीज़ों से हम ये समझ गए, देखिए हिस्टोरिकल प्राइजेस, कॉरपोरेट एक्शन, शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है हमारा बेसिक आइडिया में। कंपनी ओवरव्यू, कंपनी इन्फॉर्मेशन, ये सब भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आप इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी सर्च कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई छोटी कंपनी है उसके लिए आप ज़रूर इन सब चीज़ों को भी देखें कि एक्चुअली इसका ओवरव्यू से आपको थोड़ा बिजनेस आइडिया मिलेगा करती क्या है। तो हम एक छोटी कंपनी के बारे में भी सर्च करेंगे फ्यूचर में, पर आज के सेशन में क्योंकि ये सेशन काफ़ी लंबा हो रहा है तो हम इसे अभी यही रोकेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस टोटल एनालिसिस से हमें ये पता चला कि हमें इन्फोसिस को एज ए वैल्यू स्टॉक इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब हमें इसे देखना है कि एज ए ग्रोथ स्टॉक क्या ये एक अट्रैक्टिव मूव है। तो अभी तक जितना हम देख रहे हैं उसके हिसाब से एज ए ग्रोथ स्टॉक तो ये अच्छा है। तो अगर हमारा परसेप्शन है कि ये आगे जाके काफ़ी ग्रो करेगा और हम इसको काफ़ी टाइम तक होल्ड करना चाह रहे हैं, एटलीस्ट 10 ईयर्स, तो मैं ये कहूँगा कि हम इसके बारे में थोड़ी और रिसर्च कर सकते और इसके अंदर कुछ शेयर्स हम जैसे 5 शेयर्स खरीद सकते हैं 5-10 हज़ार के। हमें बहुत ज़्यादा, देखिए सबसे बेसिक रूल है कि हमें एक शेयर, जैसे अगर मेरे पास 1 लाख है तो मैं 5 से 10 स्टॉक्स के बीच में खरीदूंगा, किसी एक स्टॉक पे पूरे 1 लाख नहीं लगाऊंगा। जिनमें मुझे लग रहा है ज़्यादा कॉन्फिडेंस उनमें 20,000-25,000 तक इन्वेस्ट कर दूंगा, जिनमें लग रहा है कि एक रिस्क लेने की बात है या मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं उनमें मैं 5,000-10,000 इन्वेस्ट करूँगा। तो ये हमारा टोटल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के बारे में कि हमें डाइवर्सिफिकेशन लाना है। सो आपको मेरा सेशन कैसा लगा उसके लिए प्लीज़ लाइक कमेंट करके मुझे बताइए, और मुझे ये भी बताइए मैं इसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।